हाय गाइस, इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज कैसे होता है. ठीक है, तो मेनली इन तीन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज. ठीक है, तो जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है मीन्स हाई एनर्जी. शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी. तो हाई एनर्जी जो फोटॉन्स हैं वो हार्ड एक्सरेज कहलाते हैं. ठीक है, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन हाई होती है. ठीक है, और लॉन्ग वेवलेंथ मीन्स लो एनर्जी. ठीक है, लो एनर्जी वाले जो फोटॉन्स या एक्सरेज हैं उनको आप सॉफ्ट बोलते हैं क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन कम होती है. ठीक है, हार्ड रेज मोर पेनिट्रेशन, सॉफ्ट लेस पेनिट्रेशन. इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ 10^19 के ऑर्डर की है और इनकी 10^16 के ऑर्डर की है. ठीक है, 0.124 एमस्ट्रॉन्ग को आप हार्ड मानते हैं और 4 से 100 तक आप सॉफ्ट एक्सरेज मानते हैं. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज. एक्सरेज बेसिकली बिलोंग करती हैं 0.1 to 100 एमस्ट्रॉन्ग और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. फोटॉन्स फोटॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज या उनका कोई भी मास नहीं होता. चार्ज भी जीरो और रेस्ट मास भी जीरो होता है. तो ना ये ग्रेविटी से, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, ना मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होती. ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल एनोड इज बम्बार्डेड बाय वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. ये इनके प्रोडक्शन का मेथड है. आप काफी हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को एक हैवी मेटल्स पर मारते हैं, उससे कोलिजन के बाद आपको हाई एनर्जी फोटॉन्स मिलते हैं जिनको आप एक्सरेज बोलते हैं. ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि अभी हमने बताया है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता. दे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. हाई एनर्जी फोटॉन्स क्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस. क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है तो ये एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिटिंग और करंट इन द कूलिंग ट्यूब. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे ज़्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, ज़्यादा फोटॉन्स निकलेंगे तो एक्सरेज की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी. बिकॉज ऑफ देयर हाई पेनिट्रेशन, ये मेडिकल पर्पज़ और क्रिस्टल्स की जो स्ट्रक्चर वगैरह है और मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, कैंसर वगैरह को क्योर करने के लिए भी मेडिकल पर्पज़ में इनका यूज़ होता है. नाउ विल टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज. ठीक है, क्या होता है, जैसे ही आप एक्सरेज को किसी एक सब्सटेंस से पास करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और ये जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है विद थिकनेस इज एक्सपोनेंशियल डिके. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिके में क्या है, मान लेते हैं इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट है और एक्स थिकनेस ये सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल हो सकता है. ठीक है, लेट्स से दिस इज लेड स्लैब. ठीक है, लेड का जो कोफिशियंट है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट, वो बहुत हाई है, इसलिए हमने लेड ले लिया. एक्स थिकनेस लेड के बाद ये कुछ आई इंटेंसिटी का बचा, तो इस आई इंटेंसिटी की वैल्यू होगी आई नॉट, जो इनिशियल इंटेंसिटी थी, ई टू द पावर माइनस म्यू, विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट इनटू एक्स. एक्स इज थिकनेस. ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल इंटेंसिटी जो इमर्ज होगी और जो एब्जॉर्ब हो गई वो इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं. तो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब इज आई नॉट 1 - e^(-μx). ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, इंटेंसिटी जो इमर्ज आउट हो रही है वो निकाल सकते हैं. एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब ये होता है कि लेट से इंटेंसिटी इंसिडेंट आई नॉट है. ठीक है, और कुछ एक्स थिकनेस के बाद, एक एक्स थिकनेस की स्लैब के बाद इंटेंसिटी होगी लेट से आई नॉट बाय एन. ठीक है, तो 2x की जब स्लैब आप रखोगे, द स्लैब इज ऑफ इंटेंस थिकनेस 2x, सेम इंटेंसिटी इंसिडेंट हो रही है आई नॉट,
तो जब यहाँ से निकलेगी तो इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो 1/3 हो जाती तो 1/9 हो जाएगी, 1/3 का 1/3, 1/4 का 1/4, कुछ इस टाइप से। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, एक और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये थिकनेस 3x होती तो इंटेंसिटी हो जाती आई नॉट बाय एन क्यूब। ठीक है, अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट होती तो। ठीक है, ये इमर्जिंग इंटेंसिटी, एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस विल बी द एब्जॉर्ब इंटेंसिटी। ठीक, ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट है ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फ्रीक्वेंसी कॉमा वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सरेज, और ये एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये इस जो सब्सटेंस है इस सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या है। ओके, तो इन दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरेज ऑफ इंटेंसिटी 729 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर आर प्रोड्यूस्ड इन अ लैब। एक लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहा है और हाई इंटेंसिटी 729 वॉट पर मीटर स्क्वायर की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। ऑन पासिंग थ्रू 1 मीटर ऑफ कंक्रीट वॉल द इंटेंसिटी बिकम 1/3 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, 1 मीटर से पास करने पर इंटेंसिटी 1/3 हो जाती है। तो आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ आउटकमिंग रेज इफ लैब वॉल्स आर 2 मीटर थिक। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने किया था कि भाई इंटेंसिटी जो है एक्सपोनेंशियल डिके हो रही है। तो अगर मैं बोलता हूँ, मान लेते हैं ये एक छोटा सा डायग्राम देखें, 1 मीटर की स्लैब है, यहाँ से इंटेंसिटी कुछ 729 आई, 1 मीटर स्लैब, यहाँ जो इंटेंसिटी आपको मिली दैट इज 729/3। अब अगर एक और मीटर की स्लैब होगी तो इंसिडेंट उसके लिए हो गया 729/3 और उसका भी 1/3 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 729/9। ठीक है, विच इज हाउ मच, 81। ठीक है, तो अगर 2 मीटर की स्लैब होगी तो द आउटकमिंग इंटेंसिटी विल बी 81 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड कहता है मिनिमम थिकनेस ऑफ द लैब वॉल्स इफ परमिसेबल इंटेंसिटी इज 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने नॉर्म्स वगैरह बना रखे हैं, उन्होंने कहा भाई आप एटमॉस्फेयर में 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की इंटेंसिटी एक्सरेज की नहीं फेंक सकते, अदरवाइज लोगों को डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी गवर्नमेंट नॉर्म्स वगैरह बनाती है, मैंने ऐसी कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। तो अब आपको कितनी कम से कम थिकनेस की वॉल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इंसिडेंट हुई 729, लेट से आपने कुछ एक्स मीटर की वॉल लगा दी, द थिकनेस ऑफ द वॉल इज एक्स मीटर, तो यहाँ जो आउटकमिंग इंटेंसिटी होगी जैसे अभी बात की 729/3 to the power x। ठीक है, 1 मीटर से 1/3, 2 मीटर से 3 का स्क्वायर से डिवाइड हो रहा था, 3 मीटर से 3 के क्यूब से, और एक्स मीटर से 3 to the power x, और ये कितनी चाहिए हमें, ये 3 वॉट चाहिए। ओके, सो 3 to the power x कम्स आउट टू बी 243। ठीक है, 243 को अगर आप 3 to the power में लिखें तो इट विल बी 3 to the power, सो दैट विल बी 3 to the power 5। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 5, मतलब आपको 5 मीटर की, कम से कम 5 मीटर की थिक कंक्रीट वॉल्स लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज बाहर जो इंटेंसिटी निकलेगी और 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वो ये भी पूछता है भाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बता दो। ठीक है, तो थर्ड यहाँ इस बॉक्स में देखें, आई एम सॉल्विंग, थर्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इस डेटा से ही आप निकाल सकते हैं 1 मीटर में 1/3 हो जाना। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो ये आई नॉट है या आई नॉट बाई 3 है, क्योंकि आपने दे दिया है कि 1/3 हो जा रहे हो और एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, तो आपके पास क्या आया, ई टू द पावर माइनस म्यू इज 1/3। अगर आप लॉग वगैरह लेते हैं तो दिस विल बी
म्यू इज इक्वल टू Ln3, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई कितनी, Ln3। Ln3 की वैल्यू आपको पता हो तो पुट कर दो, अदरवाइज जस्ट लीव इट एड एज इट इज। तो म्यू की वैल्यू हो गई Ln3, दैट इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। एंजॉय।